एकादशी का श्राद्ध, इसकी क्या महिमा है, इसके लिए भी एक श्लोक पढ़ दूं। इसमें लिखा है कि एकादश्याम परम दानम ऐश्वर्यम सततम तथा वेदां शैवाप्नुयां सर्वान् प्रणास्मेन सस्तथा। एकादश्याम परम दान ऐश्वर्यम सततम तथा, एकादशी को श्राद्ध में दिया गया दान सर्वोत्तम होता है। यह वायु पुराण में लिखा है एकादशी के दिन दिया गया दान सर्वोत्तम होता है। ऐसा करने वाले सभी लोग वेदों को प्राप्त कर लेते हैं। वेदों को बांटना, वेद ग्रंथों को बांटना, वेदों को पढ़ना, ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। ऐसा वर्णन किया है जो लोग एकादशी के दिन अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जिन जो संत महापुरुषों से जो जुड़े हुए हैं, कभी पूर्व में उनके घर का कोई भी व्यक्ति महात्मा बन गया, कोई साधु बन गया जिसका आता पता ही नहीं चला, या तीर्थ यात्रा के लिए चला गया, भले ही साधु नहीं बना, तीर्थ यात्रा के लिए चला गया, लौट करके नहीं आया, तीर्थ यात्रा के लिए चला गया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके लिए एक अद्भुत श्राद्ध की तिथि है, उसका नाम है एकादशी, उसका नाम है ग्यारसी। आप लिख लें, जब मैं कोई लिखने की बात कहूं तो ज्यादा विशेष है। बहुत बार ऐसा होता है तीर्थ में लोग चले गए हैं, लौट के ही कहाँ आए। अब वो समय 2013 में इतनी बड़ी त्रासदी उत्तराखंड में थी और वह लोग चले गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब वो तब से अभी तक सोच में है। इस वैसे मैं हर साल बताता हूँ उनकी तिथि कब मनानी चाहिए, एकादशी को, ग्यारस को। जो कोई तीर्थ के लिए गया या कोई साधु बन करके चला गया तो उनके लिए एकादशी की ऐसी तिथि है, एकादशी में ही उनका श्राद्ध मनाना चाहिए। यह ग्यारस की तिथि यह कहती है कि संपूर्ण पापों का नाश कर देती है, जिसके लिए किया गया है उसके भी अपराध और जो कर रहे हैं उनके भी अपराध समाप्त कर देता है। श्राद्ध के ये दोनों फल हैं, एक तो जिसके लिए किया जा रहा है उसके भी पाप इससे नष्ट होते हैं श्राद्ध से, और एक जो कर रहे हैं उनके भी अपराध समाप्त होते हैं श्राद्ध करने से। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, दान पुण्य, ये सब चीजें बड़ी प्रभावशाली हैं। तो यह एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। तो यह एकादशी भी विशेष श्राद्धों में से अपने आप में एक है, जो संपूर्ण अपराधों को नष्ट कर देती है। ऐसे एकादशी के दिन पड़ा हुआ श्राद्ध बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। आपको पता है कि एकादशी को अन्न नहीं खाते, सबको पता है, लेकिन एकादशी के दिन श्राद्ध कर्म में अन्न खिलाया जाए बिल्कुल दोष नहीं है, 1% भी, ये बड़ी गजब की बात है। हाँ, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वह लोग एकादशी का, जो इसमें देखो दो बातें, जैसा कि मैंने पढ़ा है, यदि आपके यहाँ कोई जो व्यक्ति एकादशी को, मान लिया जाए किसी की मृत्यु हुई है, यदि वो एकादशी का व्रत करते थे उस समय पर, तो आप ब्राह्मण को एकादशी के दिन फलियार कराइए। इसमें दो बातें हैं, इसमें फिर द्वादशी को भोजन कराना ही पड़ता है। ये श्राद्ध दो दिन में पूरा होता है इसको, और ये बहुत ज्यादा अद्भुत बात हो जाती है इस तरीके से कर लें। तो मान लिया जाए किसी का श्राद्ध एकादशी को पड़ा, एकादशी के दिन ब्राह्मण को बुलाइए, उस दिन उसको फलियार करा दीजिए, और फिर उसको द्वादशी को बुलाइए, उन्हीं के निमित्त जिनको एकादशी की तिथि पड़ी थी द्वादशी को उनको भोजन करा दीजिए, तो ये बहुत बड़ी अद्भुत बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। यह मैंने 2 साल पहले 2020 में मैंने गरुण पुराण के माध्यम से ये बात कही गई थी। दिन ज्यादा हो गए, हो सकता है भूल भी गए हों। तो कच्चा भोजन ना कराया जाए, फुल्का है, दाल है, ये नहीं, पकी रसोई श्राद्ध में वही चलती है, श्राद्ध में पक्की रसोई। और यदि आपके ऊपर लोड ना ज्यादा पड़े और आप घरों में मेरी बात सुन रहे हैं, तो या तो घी देसी प्रयोग में ले लीजिए या तिल का तेल, तिल का तेल भी बड़ा प्रभावशाली है। इस रसोई में पूरा 16 दिन शुद्ध देसी घी ही चलेगा इस श्राद्ध कार्य में, रिफाइंड तो यहां वैसे भी नहीं चलती है, तो शुद्ध देसी घी में ही, चाहे वो ब्राह्मणों का भोजन होगा चाहे वो आपका भोजन होगा, संपूर्ण भंडारा और ये शुद्ध देसी घी के साथ ही इसको पूरा करेंगे, ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा। जब परमात्मा ही सर्व प्रकार से मेहरबान है तो हम तुम पहलवान है। मैं एक बात कहता हूं, यदि हमारा मित्र तेल का व्यापारी है, उसके यहाँ कोलू लगे हैं तेल के, उसके यहाँ बहुत तेल, तेल का काम होता है, और हमारा है मित्र है जिसके यहाँ इतने तेल के कोलू लगे हैं, तो हम पानी में क्यों नहाएंगे, हम तो तेल में नहाएंगे भाई। हमारा मित्र
इतना पैसा वाला और उसके पास इतनी बड़ी व्यवस्था है, इतने कोलू लगे उसके पास, तो हम नहीं नहाते पानी से, हम तो तेल से नहाएंगे। जब हमारा भगवान इतना बड़ा मेहरबान है तो हम रिफंड काय को खाएंगे खिलाएंगे, यहाँ तो चकाचक घी का भंडारा चलेगा, पुरख आनंद लेंगे आनंद लेंगे। कभी कभी मेरी बातें पागलों जैसी लगती होंगी, तो आनंद आता है, अच्छा लगता है ये सब कुछ करने में। खाने का तो शौक नहीं, अभी मैं उधर चला गया था, कहाँ था मैं, रामेश्वरम में, 2-3 दिन वहां तो छोड़िए, अब क्या बताऊं मैं, ऐसे ही बस चले आए 2-3 दिन पूरे। आनंद की बात है, कहीं से एनर्जी कम नहीं हुई, कहीं से उत्साह कम नहीं हुआ, और बड़ा आनंद, बहुत आनंद हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा बढ़िया लग रहा है। और आप सब लोगों के संग तो वैसे भी अच्छा लग। एकादशी के दिन ये बहुत ध्यान में बात होनी चाहिए, ब्राह्मण को यदि वो एकादशी नहीं करता है, किसी का व्रत नहीं तोड़ना चाहिए, पूछ लें उसको, पहले पूछ लें, भैया आप एकादशी करते हैं? वो कहता है नहीं करते, तो उसको आप पक्का भोजन आप उसको करा सकते हैं। यदि ब्राह्मण एकादशी, अब हमारे यहाँ जितने भी ब्राह्मण है वो सब एकादशी वाले हैं, इसलिए जिनका भी एकादशी का जो होगा तो फलियार और द्वादशी को फिर भोजन, उस तरीके से ऐसी व्यवस्था की गई है।